एसी का स्विच रात को उठ के बंद कर देता है। इंडिया का चिकन नहीं खाई खुशी, कोरियन चिकन खाई। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम हो रहा है 3:21 और हम लोग निकल पड़े हैं बारिश का मजा लेने, और साथ में आदि बाबा को आज वैक्सीन भी लगना है। 7 to 9 months का एक हमारा शायद थायराइड था ना, थायराइड का बाकी था, तो अपॉइंटमेंट आज का मिला है, तो आज लेके इनको निकले हैं। मौसम तो जो कर रहा है, मतलब बारिश रुकने का नाम ही नहीं रहा आज सुबह से। कल का मौसम ठीक था, कल हम लोग थोड़ा कंफ्यूज होकर नहीं निकल पाए कि ऐसा वेदर कल के लिए भी प्रेडिक्टेड था कि कल भी ऐसा ही होगा, मैंने गया जो कल सैटरडे को, और आज संडे है, आज तो सुबह से ही एकदम रिमझिम रिमझिम लगा हुआ है, एक मिनट भी रुका नहीं अभी तक। तो देखें इनको वैक्सीन दिलवाने के बाद अगर टाइम मिलेगा तो कहीं जाया जाएगा, नहीं मिलेगा तो लौट के बुद्धू घर को आए। चलो 4 बजे पहुंचना है, होपफुली सही टाइम तक पहुंच जाएंगे आज। hey, क्या हो रहा है ये? पैर इतना ना चलने लगा इस लड़का का अभी, ये पैर से ही, मतलब अगर खड़े भी रखे इसको तो सामने जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट रहेगा जो इसके पैर से एक्सेसिबल हो वो मारते रहता है उसको, और अभी भी वही कर रहा है। सामने बैठा ही खुशी, बोले कि अभी नींद में है नहीं, जगा हुआ है तो चलो सामने बैठाते हैं, कम से कम खेलेगा सामने। अरे खेलेगा क्या, पैर से ही कंटिन्यूस मारे जा रहा सब कुछ। भाई बदमाश बच्चा, क्या कर रहे हो? लाल जूतो जूतो, चलो सामने देखो आराम से। अरे घर से क्या खा के निकले थे तुम? अब तो जो दे दीजिए सब खा जाएगा। पापा तो बिफोर एंटरिंग बोल दिया, इसके कंप्लेन आज 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 मैं लेके आया। एसी का स्विच रात को उठ के बंद कर देता है, इससे ज्यादा बदमाशी क्या होगा बताइए। आप 2 मिनट खाली छोड़ दीजिए ना, यहाँ आपके रूम में कोई सामान ठीक नहीं रहेगा। वो उसको छोड़ो, यहाँ रेपुटेशन बना के रखो, नहीं तो मोटा इंजेक्शन लगेगा। क्या हो रहा है ये? तुम तो डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बन गया, हाँ हो गया, डॉक्टर बन गया। जा इस पे एक टाइम में तुम सो जाया करते थे, अभी नहीं सो आ जा। देख वो इंजेक्शन भी पकड़ेगा। अब इसको वही बोला ना, आप संभाल के रखना पड़ेगा। तक 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हो गया। अरे ये देखो देखो गला में क्या है, ये लो। हो गया। सो रहा है गाड़ी में पूछे, और हम लोग न्यू टाउन पहुंचे हैं। खुशी को मोमो खाने का मन कर रहा है, बोल रही है आज मौसम अच्छा है,
आज मोमो खाते डर लग रहा आधी कहीं उठ ना जाए। और यहाँ हम लोग पहुँचे अभी न्यू टाउन बस स्टैंड में, एकांते ऑन द गो जाके खोद रही है कहाँ क्या मिलेगा। एक टाइम में बहुत हैपनिंग हुआ करता था जब ऑफिस से लौटते थे हम लोग, तो पहले पी लो पेट भरा हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छे से उठ गया लगता है। वो पावर नैप हुआ है। मूड फ्रेश ही लगता है। इंडिया का चिकन नहीं खाई खुशी, कोरियन चिकन खाई खुशी। अपना ऑर्डर कर ली, मेरे को यहाँ कुछ अभी तक मिले ही नहीं, इसीलिए बोले कि चलो अपना भी खोज लेते हैं कुछ, देखा ढंग का कुछ मिले तो यहाँ से कर लेंगे, नहीं तो मेरा एक बेस्ट है चाय और सिंगाड़ा, वही खा लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ तो साउथ इंडियन है, तो साउथ इंडियन है, वहीं चलते हैं। चाय सिंगाड़ा ही चीज़ रहेगा। पूरा अंदर चिकन चिकन हो गया तुम्हारा। ओह आज ये तो अच्छा बना दिया कम्युनिटी जोन यहाँ पे। हम लोगों के टाइम में जब हम लोगों का ऑफिस था तब नहीं बनाया था। यूटिलाइज कर रहा है इसको। अच्छा यहाँ के पार्क कर सकेंगे गाड़ी यहाँ पे तो। अच्छा अच्छा ये पूरा पार्क वार्क सब कुछ बना दिया इस पे। वाह समोसा चाट हो गया रेडी, खुशी बैठी है गाड़ी में। ओए बू 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 इधर का भी जला। लाइट जल गया। बाहर का हाल देखिए, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, जो बारिश हो रहा है, और हम अपना चाट लेके आ गए अपने गाड़ी में। हम लोग गाड़ी में बैठ के खाते हैं, और बाकी तुम लोग वहाँ बैठा मुंह देखो मेरा। तुम्हारा क्या था? कोरियन चिकन कोरियन चिकन कुछ नहीं था, कोरिया का चिकन और इंडिया का चाट। सो बैक टू होम। वहाँ पे जो बारिश शुरू हुआ ना, चाय और अपना समोसा खा तो लिया, और उसके बाद जो बारिश शुरू हुआ है, मतलब घनघोर बारिश अभी, और वहाँ चाय पीने के बाद घर आओ, और घर में चाय नहीं पियो तो क्या चाय की बेइज्जती हो जाती है। इसीलिए हम अपना फिर से चाय बना रहे हैं, ताकि घर वाला जो स्टोव और सस्पेन है ना, उनको ख़राब नहीं लगना चाहिए कि आप आके यहाँ चाय बना के नहीं पिए। ये अपने लिए नहीं, ये इनके लिए कर रहा हूँ। चाय बन रहा है, माता जी को भी देते हैं, खुद भी पीते हैं। तो हम अपने सस्पेन और घर के चाय पत्ती और दूध के साथ कभी भी दगाबाजी नहीं करने वाले हैं, समझे? चाहे कुछ भी हो जाए, चाय ज़रूर बनाएंगे घर आके। 11 बज रहा है और आदि आज थोड़ा परेशान करेगा लग रहा है, बिकॉज रोना धोना थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है आज। और ये जो वैक्सीन था, इस वैक्सीन के लेने के बाद ही डॉक्टर बोल दिए थे कि आज रात को उसको पेन हो सकता है और फीवर भी आने के चांसेस हैं, तो थोड़ा भी परेशान कर रहा, खुशी लेके सुलाने की कोशिश कर रही है। और डिनर अभी तक हमारा हुआ नहीं है, माँ कर ली है डिनर। माँ का भी तबीयत अभी यार ठीक नहीं है, फिर आज थोड़ा सा फीवर आ रहा है, तो ये मेरे को डाउट है वायरल फीवर हो सकता है, या फिर बिकॉज बीच में दो दिन ना एकदम ठीक ठाक था, और आज एक्चुअली वेदर भी काफ़ी चेंज हो रहा है, दो दिन गर्मी फिर तीन दिन बारिश, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो और एक दो दिन देख के इसके बाद डॉक्टर एक बार दिखा लेंगे। वायरल फीवर के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को हो रहा है अभी। बंधा गोभी वाला सब्जी है, और वहीं से गुलाब जामुन खरीद के लाया था गर्म गर्म, ये भी ठंडा हो गया। आम है, सुबह का बचा हुआ कुछ पूड़ी होगा, और रोटी अभी खुशी बनाई है, तो यही करते हैं डिनर, सो पड़ते हैं फटाफट। ये आदि के लिए रोटी और सब्जी वगैरह सारा मिक्स करके बनाया हुआ था, बट क्या पता जो खाएगा कि नहीं, चलो देखते हैं, अगर उठता है तो फिर देखा जाएगा। इसमें है सारा कुछ, दो रोटी खुशी के लिए, और ये गया अपना पूड़ी। पूड़ी तो बहुत ही है यार, क्या करते हैं खुशी मैडम, इतना पूड़ी खिलाओगी? चलो
पेट भी बोलेगा साला तुम लोग जो जुल्म कर रहे हो मेरे ऊपर। कैसा सन्नाटा हो गया है, मेरे को भीतर का निकाह याद आ गया आज। पूरा एकदम अंधेरा है बाहर, मेंढक एकदम टर टर कर रहे हैं, ऐसा ही हुआ था हम लोगों के साथ भीतर का निकाह में, पूरा भीतर का निकाह वाला फील। अब बारिश हो जाने के बाद तो मेंढकों का आवाज एकदम पूरा गूंजने लगता है यहाँ पे। और हमारा ये जो एरिया है ना, ये एरिया थोड़ा सा शांत है, मतलब एकदम मेन रोड में ही है। मेन रोड हमारे फ्लैट के राइट और लेफ्ट दोनों साइड मेन रोड ही है, बट ये एक खासियत है कि थोड़ा सा दाहिने बाएं जाओ तो मेन रोड मिल जाएगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि एकदम कैसा एकदम शांत इलाके में आप रहते हो। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थाली हमारा सज चुका है तो दोनों का एक ही थाली में ले लिया। ये रहा मिठाई, आम, पूड़ी, रोटी, खुशी के लिए सब्जी, ये मेरे लिए सब्जी। बस अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और सोते हैं। हो सके तो आज मेरा रात का थोड़ा सा काम है, मैं बाबू वाले रूम में सो जाऊंगा या फिर उसमें आके अपना एडिट वेडिट कर लूँगा, फिर रात को चले जाएंगे वहाँ पर। तो चलो मिलते हैं आपसे कल सुबह। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।